अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस फैमिली ब्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ। ये बहुत पुराना वीडियो है जब हम लोग घर गए थे। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं एक शादी में जाने के लिए, और शादी जो है इनके मतलब भांजी की शादी है, लड़की की शादी है। वलीमा में जा रहे हैं, आज वलीमा है, कल निकाह है। तो हम लोग जा रहे हैं इसी के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। भांजी मतलब इनके बड़ी अब्बा की बेटी की शादी है, तो हम लोग उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने ये वेयर किया है, हमारा जो असम का स्पेशल है मेखला सादर। तो इन्होंने चूड़ीदार पहना है, और यहाँ पे दीदी की कोई दोस्त आई हुई है, मतलब जो कपड़ा सिलती है ना, इसीलिए आए हुए हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हैं आप। तो आज है मेरे बहन का बर्थडे, और आज डेट है 2 मई, और उनके जन्मदिन इसी डेट पे होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा केक लेके आए थे। सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, हाँ मतलब पूरी फैमिली बच्चों के खुशी के लिए केक लेके आए थे। थोड़ा सा बिरयानी बनाया था, तो वही। तो यहाँ पे केक कटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं सब लोग। देखिए मौसम एकदम ज़्यादा ख़राब है, और सब लोग आ गए हैं केक कटिंग के टाइम में, मतलब। और बच्चों को तो मतलब इनायर और ये जो टुकू है साहिर, इन दोनों को मतलब मैं काटूंगा। तो बहन ने दोनों का हाथ पकड़ लिया, देखिए तीनों का हाथ कैसा कर रहे। तो ये तीनों मिल के अपने खाला के साथ केक कटिंग कर रहे हैं। उसको क्लैप बजाना है तो गोद से उतर गया एक ही जंप में, देखिए। The next day. ये है अगले दिन का वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रुद्रा सिंहा पार्क, और ये है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ही है, हमारे घर से 15 मिनट की दूरी में है, और मेरे ससुराल से एकदम नज़दीक में ही है, 5.5 मिनट का रास्ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये और मैं जा रहे हैं बाइक में, भाई भाभी और जो साहिर है वो लोग जा रहे हैं दूसरे बाइक में, और बाकी फैमिली आ रही है टुक टुक में, बैटरी रिक्शा में, हम लोग बैटरी रिक्शा बोलते हैं। तो ये जो है मैंने पहले ही बताया था, ये मेरा दोस्त है, भाई का दोस्त है मतलब। तो उसके रिक्शा में हम लोग जा रहे हैं, और अभी ये देखिए हम लोग जो रुद्रा सिंहा पार्क है, ये है जयसागर में, और ये है जयसागर लेक। तो बहुत बड़ा मतलब एक लेक है, हाँ यहाँ पे बोटिंग नहीं कर सकते हैं आप लोग, मतलब हाँ मतलब कुछ मछली पकड़ते हैं ना, तो मछुआरा होते वो लोग जाते हैं, बाकी बोटिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे, बोटिंग के लिए अलग प्लेस है, नहीं है, नहीं यहाँ पे है। और ये है जयसागर कॉलेज, मैं दिखा दूंगी, देखिए ये है हमारा शिवसागर जयसागर कॉलेज, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने डिग्री कंप्लीट किया था। और ये देखिए सब लोग टुक टुक पे जा रहे हैं, हम लोग बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा सकते थे पर हाँ, जो मतलब टुक टुक में जाने का मज़ा है ना, बच्चों लोगों ने बोला हम लोग टुक टुक पे ही जाएंगे बैटरी रिक्शा में, तो इसलिए हम लोग वो लोग बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं, और हम दोनों बाइक में जा रहे हैं। और यहाँ पे एक नाव भी है देखिए, और यहाँ पे एक छोटा मोटा ऐसे ही दुकान भी है, और यहाँ पे बच्चों को कराटे या कुछ ऐसे सिखा रहे थे, और स्विमिंग भी सिखाते हैं पास में, और एक मतलब स्विमिंग क्लास का भी है, तो वही मतलब बच्चे खड़े थे वहाँ पे। बहुत बड़ा लेक है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, और ये है मेन गेट, और एंट्री फीस पर पर्सन 60 रुपीज़ है। अगर मतलब 3 साल के ऊपर, मतलब बच्चे भी है ना 3 साल के ऊपर, सबका टिकट सेम ही है प्राइस 60 रुपीज़। और इसके अंदर एक छोटा सा पार्क है बच्चों का खेलने के लिए, फिर गार्डन है, आप फोटो वोटो मतलब क्लिक करा सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कुछ हमारा जो बिहू फंक्शन बिहू रहता है ना, तो वो थोड़ा सा डांस का ऐसा मतलब दिखाते हैं ये लोग, और रेस्टोरेंट भी है 2-3, और उस वॉशरूम भी है, और साथ में एक म्यूजियम है तो वो भी देखेंगे। तो दिखाती हूँ, रुकेगी, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये एक लेफ्ट साइड में एक रेस्टोरेंट है, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क की तरफ। और ये बच्ची देखिए इतनी क्यूट है, तो यहाँ पे बच्चे अभी खेलने के लिए लग गए हैं, बच्चों को तो पार्क ही चाहिए। और ये मतलब सब कुछ एक ही साथ में है 60 रुपीज़ पर पर्सन। बड़े लोगों के लिए सिर्फ एक झूला है, बाकी बच्चों के लिए ही है, झूला मैं दिखा दूंगी।
ये है म्यूजियम और यहाँ पे देखिए पुराने जमाने के जो राजकुमार रहते थे ना, मतलब राजा रानी, तो उन लोगों का ये कुछ स्टोन मतलब जो है, और ये मतलब कुछ मुखुटे भी बना के रखे हुए हैं। ये तो मतलब इन लोगों ने ही शायद बनाया हुआ है, और ये बेम्बो से बनाया है, एक मतलब डांसिंग डॉल की तरह। और यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड जो नोट और कॉइन थे तो वो भी है, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसका सा थोड़ा सा छोटा सा मॉडल भी बना के रखा हुआ है। पहले लाल टेन कैसे थे देखिए, और ये जो मतलब ये मटका ये सब खाना बनाते थे ना, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा ये सब रखा हुआ है। तो मैंने पहले भी बोला था ना, हमारे एडल्ट के लिए भी मतलब झूला है, तो ये है वो झूला। और उस तरफ पिंक ड्रेस में जो है वो मेरी बहन है, और उस तरफ मेरी भाभी, और बच्चे यहाँ पे पार्क में खेलने में बिजी है। बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत पार्क है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो हमने भी बहुत सारा फ़ोटो क्लिक कराया है ऑलरेडी, मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, एक महीना हो गया है अपलोड करके। तो वीडियो में धीरे धीरे मतलब अपलोड कर रही हूँ, एडिटिंग भी घर से आने के बाद हाँ कर मतलब टाइम नहीं है, नहीं अभी मतलब बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, बच्चों को पढ़ाना, खुद का घर का काम, नमाज, फिर ये वो कुछ ना कुछ निकलते रहता है ना। अभी ईद का भी टाइम है, तो घर की साफ सफाई ये सब में ही मतलब मैं भूल जाती हूँ, आज करूँगी कल करूँगी ऐसा टाइम मिलता है, तो ये रील्स देखने बैठ गई, टीवी देखने बैठ गई, तो ऐसा मतलब होता है। तो इसलिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने आज सोचा बैठ के मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, और धीरे धीरे एक और दो व्लॉग, नहीं घर का व्लॉग शायद यही लास्ट है, इसमें ये व्लॉग्स ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद हमारा जो डेली रूटीन का व्लॉग्स आएगा वो, अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे ये बिहू प्रोग्राम हो मतलब होंगे ना, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए डालिया बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में भी शायद डालिया ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है यहाँ पे। और उस तरफ हम लोग जा रहे हैं बिहू प्रोग्राम देखने के लिए। और यहाँ पे तीन तरह के मतलब बिहू प्रोग्राम होंगे, एक तो ये ताई आई अखोम आहुम बोल के, मतलब जो ये है आहुम लोग रहते थे ना पहले, जो ये राजा महाराजा, तो उन लोगों का एक बिहू प्रोग्राम होगा। फिर एक लास्ट में आएगा जैंग बिहू, और एक भी था वो सेकंड वाला मैं भूल गई हूँ, अभी ये अनाउंस करेंगे ना मैं तब बता दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए बिहू प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, यहाँ पर ही ये मतलब बिहू प्रोग्राम होंगे। और बैठने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेस है, और फैन वैन भी है, सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक से मतलब अरेंजमेंट करके रखे हैं इन लोगों ने। Thank you.
तो ये दोनों भाई बहन का रिश्ता निभाते हुए देखिए इनाया को मैंने डांटा किसी वजह से, तो इसलिए साहिर उसको मतलब मना रहे है, मतलब रो। देखते देखते घर जाने का टाइम हो गया, देख सकते हैं सब लोग हमें आए हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। अभी हमारा ट्रेन है 8:10
रात के, तो यहाँ पे साहिर देखिए जो ट्रेन आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो कान बंद कर रहे हैं ट्रेन की आवाज़ से। और यहाँ पे आए हैं इनके मामू, मतलब मेरे खालू भी हैं, उनके मामू भी हैं, दो रिश्ते हैं उनके साथ, तो पहले ही बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक करा लिया, और ये थोड़ा इमोशनल टाइम रहता है क्योंकि फिर एक साल बाद मिलेंगे, तो इसीलिए भाई भाभी बहन अम्मी सब लोग हैं, आया निनाया हम, खालू भी है, साहिर भी है। साहिर भी देखिए उसका भी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, बच्चे हैं तो क्या हो, उनको तो पता चल ही जाता है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा मतलब हंस रहा है, थोड़ा जोर जबरदस्ती हंसते हैं ना तो ऐसे हंस रहे है। और यहाँ पे हमारा ट्रेन आ गया, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम है, सबको बाय बोलना मतलब थोड़ा सा दिल से नहीं हो पाता है, पर क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ही। फिर आएंगे इंशाल्लाह एक साल बाद, और अभी हम लोग अपने सीट पे बैठ गए, सोएंगे थोड़ी देर बाद। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, ये है हम लोग अभी आसाम में ही है हम लोग, और ये ग्वालपाड़ा है, देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, सुबह का व्यू है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और शायद अभी टाइम हुआ है 7 या 8 बजे है, ऐसा ही कुछ टाइम हुआ है। तो ये ग्वालपाड़ा का एक ब्रिज है, मुझे नाम मालूम नहीं इस नदी का। और हमारे आसाम से बेंगलोर मतलब फ्राइडे को ट्रेन आसाम से निकलते हैं, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से, ये तिनसुकिया एक्सप्रेस है, तिनसुकिया से निकलते हैं हम लोग, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में रहते तो वहाँ से बैठ जाते हैं ट्रेन में, और वहाँ से फ्राइडे नाइट 8:10 को था ट्रेन हमारे डिस्ट्रिक्ट से, तो और पहुँचेंगे हम लोग मंडे 10:45 ऐसा कुछ, अगर ट्रेन टाइम में हो, अगर नहीं हो तो लेट पहुँचेंगे, क्योंकि ये टाइम कभी भी टाइम पे नहीं रहता है ये वाला जो ट्रेन है, बाकी ट्रेन का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारा जो ट्रेन है ना ये तिनसुकिया एक्सप्रेस, ये कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचते, ये हर मतलब लेट ही पहुँचते हैं। होप इस टाइम टाइम पे पहुंच जाए, पर देखेंगे क्या होता है, शायद होगा तो नहीं क्योंकि अभी तक हुआ तो नहीं है, अगर हुआ तो हाँ रिकॉर्ड बन जाएगा, तो देखते हैं। ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट हम लोग क्रॉस कर रहे थे, तो उसका ही थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी, तो मुझे अभी याद भी नहीं है कौन सा मतलब स्टेट है। हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा वहाँ का मैं थोड़ा सा क्लिप ले रही थी। और आज है मंडे, आज हम लोग घर पहुंच जाएंगे, और पहले ही मैंने बताया था ये ट्रेन कभी भी टाइम पे नहीं रहता है। हाँ, तो ये ट्रेन कभी भी टाइम पे नहीं, आज भी टाइम पे नहीं है, और 2 घंटा लेट हो गए हैं हम लोग, अभी पहुंचने वाले हैं, तो मतलब पहुंचने में और 2 घंटा है, पहुंचने वाले नहीं, घंटा तमिलनाडु में ही है। तो मिलती हूँ एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।